सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करने आया हूँ यहाँ पे, वो है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। जी हाँ, जिसको हम आईफा के तौर पे भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 जून 2000 में, जहाँ पे पहली बार युक्ता और अनुपम खेर ने इनको होस्ट किया था। ये अवार्ड इतना बड़ा हो गया कि ये सालों साल हर साल 2000 से लेकर 2024 तक रुकता ही जरा, हर साल ही अवार्ड्स होते हैं, हर साल इन्हें कोई होस्ट करता है और इसको बहुत बड़ा अवार्ड्स माना जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो। वैसे ही अभी खबर आ रही है 2024 की, जहाँ पे 26 सितंबर को ये आईफा अवार्ड्स होस्ट होने वाला है, जो यास आइलैंड में अबू दुबई में होस्ट होने वाला है, जो चलेगा 26, 27 और 28 तक। और सबसे मेन बात तो इसमें यह है कि इसको शाहरुख खान एंड करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, शाहरुख खान जिसने आखिरी बार आईफा को 2005 में होस्ट किया था, वो फिर बतौर होस्ट इस आईफा अवार्ड्स के लिए वापस आ रहे हैं। देखना ये रहेगा कि जब शाहरुख खान इस अवार्ड्स को होस्ट करते हैं तो किस तरह की सारी बातें होंगी, कैसा मज़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं शाहरुख खान चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, जब वो होस्टिंग पर उतर आते हैं तो उनको जाने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उनके साथ देंगे करण जौहर, तो इनकी जुगलबंदी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और इस अवार्ड में काफ़ी बड़े बड़े नाम नॉमिनेट हैं, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, तो इन सबको अवार्ड दिए जाएंगे वहाँ पे। शाहिद कपूर इसमें परफॉर्म भी करने वाले, इनका नाम आ रहा है, और कहीं ना कहीं नाम होस्टिंग के लिए सलमान खान का भी आ रहा है, बट ये एक र्यूमर है। और शाहरुख खान और करण जौहर की बात करें तो ये फिक्स हो चुके हैं। सो ये थी आईफा अवार्ड्स की सारी खबरें जो मेरे जरिए मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। और ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन, और कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है शाहरुख खान को लेकर, आप उन्हें होस्ट करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।